हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हेयर केयर के बारे में। शेयर करने जा रही हूँ मैं आपके साथ मेरा एक बहुत ही सिंपल सा हेयर केयर रूटीन। दूंगी आपको कुछ बहुत ही बढ़िया और आसान से टिप्स और आपके साथ शेयर करूंगी सम डूज एंड डोंट्स ऑफ हेयर केयर रूटीन। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मेरा इजी सा हेयर केयर रूटीन। तो मैं सबसे पहले वीक में ट्वाइस और थ्राइस, समटाइम्स थ्राइस, अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ। रात को ऑयलिंग के लिए मैं कोल्ड प्रेस ऑयल्स का इस्तेमाल करती हूँ। कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल और कोल्ड प्रेस कलौंजी ऑयल। ये तीनों ऑयल्स में से कोई भी एक ऑयल का मैं इस्तेमाल करती हूँ और कभी कभी इन्हें बदल बदल के भी इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कुछ महीने कोकोनट लगा लिया, कुछ महीने सरसों लगा लिया, कुछ महीने कलौंजी लगा लिया, इस तरह से, जिससे सारी ही चीजों का बेनिफिट मेरे बालों को मिलता रहे। और ये जितने भी तेल मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने कोल्ड प्रेस इसलिए ही बोला है क्योंकि ये कोल्ड प्रेस ही काम करते हैं। अगर इनमें किसी भी तरह के केमिकल्स होंगे तो आपके बालों में वो इफेक्ट नहीं आएगा। कोल्ड प्रेस ऑयल्स अब आप सोच रहे होंगे कहाँ से मिलेंगे, वो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। पतंजलि में कोल्ड प्रेस कोकोनट और मस्टर्ड का हेयर ऑयल मिलता है, जिसमें कि सिर्फ पीछे आप इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखेंगे तो एकमात्र इंग्रेडिएंट होगा कोकोनट या मस्टर्ड। यही आपके तेल में होना जरूरी है जिससे आपके बाल अच्छे होंगे। इसके अलावा कोई भी बेस मटेरियल या कोई भी बेस सब्सटेंस या किसी भी तरह का कोई भी भारी भरकम सा केमिकल नहीं होना चाहिए, वरना आपको सारे फायदे नहीं मिलेंगे। अब मैं बात करती हूँ कलौंजी के तेल की। कलौंजी का तेल जो मैं यूज करती हूँ वो मार्केट में मैंने इजीली अवेलेबल होता हुआ तो नहीं देखा है, बट बहुत छोटी छोटी जो जनरल स्टोर्स की दुकानें होती हैं वहां आपको ये तेल जरूर मिलेगा। ये भी कोल्ड प्रेस वाला मैं यूज करती हूँ, वो वाला नहीं जिसमें थोड़ा बहुत कलौंजी का एक्सट्रैक्ट मिला होता है, वो वाला नहीं। इसका नाम कुछ अलग से नहीं है, कलौंजी ऑयल है। मैं आपको बॉटल दिखा रही हूँ, 120 ml की क्वांटिटी है इस तेल की और 220 रूपये में ये आपको मिल जाएगा। ये आपसे आपका एक से डेढ़ महीने आराम से चलेगा। ओवरनाइट ऑयलिंग करके छोड़ने के बाद मैं अगले दिन उठती हूँ और मेरे बालों में माइल्ड शैम्पू से मैं अपने बालों को धो लेती हूँ। मैं किसी भी प्रकार के कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करती और शैम्पू भी मैं किसी एक शैम्पू से स्टिक नहीं करती। मैं अपने शैम्पू बदलती रहती हूँ अगेन एंड अगेन। कुछ कुछ टाइम पीरियड तक मैंने कुछ शैम्पू यूज किया, फिर कुछ टाइम पीरियड तक कुछ शैम्पू यूज किया, ऐसे करके मैं शैम्पू स्विच करती रहती हूँ। मेरा एकदम सिंपल सा हेयर केयर रूटीन, इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है। मैं दो पैक्स जरूर लगाती हूँ महीने में, तो वो दोनों पैक्स के लिए मैं क्या करती हूँ, एलोवेरा लीफ मेरे यहाँ लगी है, मैं उसका एक्सट्रैक्ट निकालती हूँ, फिर मैं उसे ब्लेंडर में चलाती हूँ, फिर मैं उसे निकालकर उसमें थोड़ा सा मेरा कोई भी ऑयल जो मैं यूज करती हूँ मिला लेती हूँ और फिर उसको मैं अच्छे से अपने बालों में, रूट्स में, स्कैल्प में और टिप्स में भी इवन, और बालों की पूरी लेंथ में अच्छी तरह से एज अ मास्क लगाकर छोड़ देती हूँ। उसके ऊपर दूसरा पैक आपको बताती हूँ, इससे भी आसान है बट उन लोगों के लिए नहीं जिन्हें ओनियन से प्रॉब्लम हो। तो मैं ओनियन का हेयर पैक लगाती हूँ, उसके लिए मैं एक प्याज लेती हूँ बड़ा या फिर दो छोटे प्याज, उसको मैं स्लाइस करके उसका जूस निकाल लेती हूँ मिक्सर में चला के। आप उसको छान के लेना चाहें तो छान के लें, मेरे ख्याल में आप छान के ही लें क्योंकि उसके जो रेशे होते हैं वो बाद में आपके बालों में फंसे रह जाते हैं। तो उसे छान के उसका जितना भी जूस है उसको मैं पूरे बालों में अच्छी तरह मसाज कर लेती हूँ, कुछ देर के लिए बंद बना लेती हूँ और एक से डेढ़ घंटा छोड़ देती हूँ और फिर वॉश कर लेती हूँ। तो अब बात करते हैं टिप्स के बारे में। तो मेरी पहली टिप आपको ये है कि सबसे पहले तो आपकी जो मम्मी दादी नानी नुस्खे बताती थी और आपके बालों को केयर करने के तरीके बताती थी, प्लीज उनसे स्टिक कीजिए। वो आपको वो चीज बता रही हैं जो उन्होंने खुद आजमाई है और तभी उनके बाल आज तक इतने अच्छे हैं। और मेरा मानना है कि अगर टीनेज में ही आप अपने बालों की प्रॉपरली केयर करें, जैसे कि उन्हें अच्छे से तेल लगाकर रखें, उन्हें अच्छे हिना रीटा शिकाकाई टाइप की चीजों से वॉश करें, तो आपके बड़े होते तक बाल बहुत अच्छे रहते हैं। दूसरी मेरी टिप ये है कि आप किसी भी तरह के कंडीशनर को अपने डेली रूटीन में यूज ना करें वॉश करने में। आप कंडीशनर की जगह, जो मैंने आपको बताया है नुस्खा कि मैं कंडीशनर की जगह क्या यूज करती हूँ, एक मग में पानी और पानी में डाइल्यूट करके नमक, जैसे हम शैम्पू को डाइल्यूट करते हैं उस तरह से मैं उसे यूज करती हूँ अपने बालों में। आखिरी बार उसी का रिंस करती हूँ और इससे कंडीशनर वाला सेम इफेक्ट बालों में आता है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब मेरी तीसरी टिप आपको ये है कि बिना डाइल्यूट किए शैम्पू को यूज मत कीजिए। कोई भी शैम्पू हो,
शैम्पू को पानी में डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि शैम्पू हार्श होते हैं बालों के लिए और अगर आप डायरेक्ट उन्हें स्कैल्प पे लगाएंगे तो आपकी स्कैल्प को डैमेज होता है, डैंड्रफ कॉज करता है। अब मैं आपको एक और टिप देती हूँ कि आपको क्या करना है कि आपको अपने बालों को डिटैंगल करने के लिए कि इस तरह के चौड़े ब्रिसेस वाले कंघे का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपके बाल टूटेंगे कम, खासकर तब जब वो गीले रहें। अब एक और टिप ये है कि आप अपने बालों में विटामिन ई के कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विटामिन ई के कैप्सूल्स किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगे आपको आराम से। इन्हें अपने ऑयल में डालिए और इनको अच्छे से अपने बालों में मसाज करके सर्कुलर मोशन में लगा दीजिए। नेक्स्ट आप बाल वॉश कर लीजिए एज यूजुअल। और इनकी होममेड हेयर ऑयल से स्टिक कीजिए। होममेड हेयर ऑयल से स्टिक कीजिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद करके देखा है। मेरी मम्मी एक बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल बनाती है और वो बहुत फायदा करता है। 3 महीने से कॉन्स्टेंटली मैं उसे लगा रही हूँ। मेरे बालों में ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है जो कि हो नहीं रही थी बीच में, और बहुत ही हेल्दी आपके बालों को लशियस तरह का लुक देता है। अब मैं आपको बताती हूँ डूज एंड डोंट्स। तो डूज में शामिल कीजिए कि आप हेयर ऑयल जरूर यूज करेंगे, चाहे आपको कोई कुछ भी बोले कि आप ऐसे लग रहे हैं उसे लगा के या वैसे लग रहे हैं या आप सो कॉल्ड ट्रेंडी नहीं लग रहे हैं, ट्रेंड पे मत जाइए। कुछ वक्त बाद ये ट्रेंड आपको बहुत नुकसान देगा, इसलिए प्लीज अपने बालों में ऑयलिंग जरूर कीजिए। दूसरा डू ये है मेरे हिसाब से कि आप अपने बालों को सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए, हमेशा सर्कुलर मोशन में ऑयलिंग कीजिए। और आप यूज कीजिए गुनगुना तेल, कोई भी तेल हो उसे गुनगुना करके ही यूज कीजिए, जिससे वो रूट्स में डीप इनसाइड जा सके और आपके बालों को पूरा नरिशमेंट मिल सके उस ऑयल का। मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपको अपने बालों के लिए रोज नहीं करना है। रोज क्या नहीं करना है कि आपको अपने बालों में डेली कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको अपने बालों में रोज रोज कॉन्स्टेंट बेसिस पे एक ही शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने शुरू में बोला था कि मैं शैम्पूज बदलती हूँ, वो इसलिए क्योंकि कभी भी किसी एक शैम्पू से अगर आप स्टिक करके रहेंगे तो उसके जो भी उस शैम्पू के नुकसान है वो आपके बालों में उतने ही जल्दी पनपेंगे जितने जल्दी आप उस शैम्पू के फायदे अपने बालों में देख सकते होंगे। तो शैम्पू बदलते रहिए जिससे आपके बाल किसी भी एक चीज से बहुत ज्यादा इफेक्ट ना हो पाए, क्योंकि शैम्पू में केमिकल्स होते ही हैं। कि आप अपने बालों में हीट का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, ओकेजनली कीजिए, रेयरली कीजिए। कभी ही आप अपने बालों को ब्लो ड्राई कीजिए, बहुत कभी ही अपने बालों में स्ट्रेटनिंग या कर्लिंग कीजिए। अगर ये आप रेगुलर बेसिस पे करने लगेंगे, मैं जानती हूँ वो सुंदर लगते हैं, पर वैसा करने से आपके बाल परमानेंटली डैमेज होंगे, आगे चल के बाल ही नहीं बचेंगे तो ये सब कर ही नहीं पाएंगे। एक कड़ी पत्ता, प्याज ये सब खाने से ना मत भूलिए, इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। ये सब अगर आप नहीं खा रहे हैं ये आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। ये अगर आप नहीं खाएंगे तो आपके बालों में नेचुरली ग्रोथ नहीं होगी, और जो नेचुरली ग्रोथ नहीं होगी तो आप उसके ऊपर कुछ भी लगा लीजिए, वो फायदा नहीं करेगा। लास्ट में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो आप खाते हैं वो आपकी शक्ल और आपके बालों पे, आपके शरीर पे दिखता है। हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, ऐसी चीजें खाइए जिससे आपको न्यूट्रिएंट्स मिले आपके बालों के लिए। विटामिन ई को इंक्लूड कीजिए, प्याज करी पत्ता इस तरह की चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, आपके बाल ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। अपने बड़ों की बात मानिए तो आपको सही सलाह देंगे। के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए थैंक यू।